नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम आ गए और एक नई कस्टम रूम वीडियो लेकर। अरे ये कौन बोल रहा है ये बीच में, कौन गाइज? ये माफ़ करना, ये और एक कमेंटेटर आ गया था ये बाहर से। तो गाइज हम आ गए और एक नई वीडियो में जो कि 24 जून की है कस्टम रूम वीडियो। और आपको तो पता होगा इस चैनल पर हम लोग गेमिंग रिलेटेड पोस्ट डालते हैं और इस चैनल का मेन फोकस है पबजी मोबाइल कस्टम रूम्स पर। अगर आप भी चाहते हो खेलना तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। गाइज इस मैच में बहुत नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए हमने फ्लाइट पाथ कवर नहीं की क्योंकि वाईफाई चला गया था। इसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। इसलिए आपको देख रहे होगे आप लोडिंग स्क्रीन थोड़ी लंबी होती जा रही है। कोई नहीं, आ जाएगी और एक बार आते हुए लोडिंग। गाइस आप अगर तो स्टार्ट होते हुए वीडियो देख सकते हो आप, टीमें ड्रॉप ले चुकी है। मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे माफ़ कर देना गाइस, प्रॉब्लम हुई थी वाईफाई का, आपको पता रहेगा लॉकडाउन में कैसा चालू है इंटरनेट का इशू। पर कोई नहीं, अब मैच की ओर आ जाते हैं। आप देख सकते हो यासना में नक्सलाइट की टीम एज यूजुअल लूटते हुए, इनके चारों प्लेयर्स लूटते हुए, वुल्फ के बंदे ने पेरिक्स के माइंड एक्स को कुचलते हुए गाड़ी से, और वाइस किंग टू भी गाड़ी से मरते हुए, कार मॉन्टेज बनाते हुए ख़त्म करते हुए पेरिक्स के माइंड एक्स को, वाइस किंग टू को भी गाड़ी से कुचल के मारा है। चटनी ओपी गाइस, जेठालाल की टीम एज यूजुअल नोवो में लुटते हुए, इनके सामने और एक स्क्वाड है CF4 का जो कि टीम नंबर 16 है, इनकी फाइट हो सकती है। इन्होंने स्पॉट कर लिया बंदे को, डैमेज दे दिया, बहुत डैमेज दे दिया, और ये बीच में रिंगा रिंगा रोज कर दिया और कवर में आ गए, डैमेज बढ़ा जेठालाल को भी। फाफड़ा जलेबी खाएंगे अब, हेल्थ बढ़ाएंगे, और ये हेल्थ एनर्जी ड्रिंक लगा ली है इन्होंने। इनके सामने ही बंदे हैं, TPP लेते हुए ये टीम नंबर 16 के एक प्लेयर की हेल्थ अभी भी कम है। नेड किया है, बहुत प्यारा हो सकता है नेड, नेड कनेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा मिस होते हुए नेड, मूव करते हुए टीम नंबर 16 के प्लेयर, थोड़ा सा नेड कनेक्ट नहीं हुआ और मिस होते हुए थोड़ा स्प्रे बंदे, और जेठालाल को बहुत डैमेज पड़ा है। चाहेंगे हेल्थ लगाना, पहले अपनी हेल्थ पूरी कर ले। और 3x स्प्रे बहुत ही प्यारा डैमेज दिया है, उनकी हेल्थ बहुत कम हो चुकी है, और अपने स्किल्स का बहुत ही प्यारा प्रदर्शन स्प्रे गॉड के द्वारा। लेकिन सामने वाले भी नेड से बहुत प्यारा नॉक किया है, वो भी स्किल्स का दिखाता है अपना पूरा प्रदर्शन। अब चाहेंगे रिवाइव देना है स्प्रे गॉड को, नॉक कर दिया एक बंदे को, बहुत ही प्यारा, इक्वल हो गया एक एक नॉक दोनों का। लेकिन सामने वाली टीम का हेल्थ बहुत कम है, और ये पुश करते हुए बंदे, ऊपर बंदे, एक बंदा नॉक है, उसको रिवाइव नहीं मिला अभी तक, पुश कर दिया है ऊपर जाते हुए, नीचे वाले कमरे में रिवाइव होते हुए, दोनों ने पुश कर दिया, फिनिश कर नॉक कर देते हैं। अब एक ही बंदा बचा है सिर्फ, बहुत प्यारा गेम प्ले जेठालाल की स्क्वाड के द्वारा, चंपक चाचा को बहुत गर्व होगा। एक ही बंदा बचा है जो कि अय्यर भाई है, उसे भी फिनिश करेंगे, TPP लेते हुए वो बंदा भी। अब चाहेंगे अभी हेल्थ करना अपनी, पूरे फुल बूस्ट कर ले, चारों बंदे अभी एक साथ पुश करेंगे, चारों खूंखार प्लेयर अब एक साथ एक बंदे पे पुश करेंगे, आप देख सकते हो। और फिनिश कर दिया है, हमने बोलने से पहले ही फिनिश कर दिया स्प्रे गॉड ने विथ उजी। TPP लेते हुए अपार्टमेंट्स पे, टीम नंबर 12 का स्क्वाड है जो आराम से होल्ड करेंगे, डेमोनिक क्रिमिनल्स का स्क्वाड। स्कूल में भी एक स्क्वाड उतरी है, टीम आयना की स्क्वाड, ये भी लूट रहे हैं आराम से। अब देख सकते हो जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है वहाँ पर भी बंदे आए हैं,
जो कि कामिश्की वगैरह का साइड है। पहली बार इतने सारे बंदे वहाँ उस ड्रॉप पर भी गए हैं। यासना में भी स्क्वाड है, नक्सलाइट की स्क्वाड आराम से लूट रही है इनके सामने। लेकिन टीम नंबर 24 की भी स्क्वाड है। इन दोनों के बीच में फाइट हमें देखने को मिल सकती है। अभी तो फिलहाल लूट कर रहे हैं ये, दूर है टीम नंबर 24 से थोड़ा। चाहेंगे और एक गाड़ी भी ढूंढना, फिर सेंटर में रोटेट करें। फिलहाल तो लूटेंगे आराम से, फर्स्ट एड्स वगैरह जमा कर देंगे। एक बंदा शायद ऑनलाइन ही, मुझे लगा ऑफलाइन चला गया ये बंदा, नेटवर्क इशू होगा उसका। अरे मेंशन में भी लूटते हुए स्क्वाड है, मेंशन नहीं सॉरी ये यासना ही है, मेंशन जैसा दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। स्वैंकी नेगी का स्क्वाड भी, टीम नंबर 20 का स्क्वाड भी वहाँ पर ही है। तीन तीन स्क्वाड है यासना में। मिस्टर फिनिक्स ने नॉक कर दिया सीएम को और डैमेज पड़ा है बैंडेज लगाते हुए। मिस्टर फिनिक्स ने वाइल्ड लेमन को भी नॉक कर दिया है। इंसेंट ऋषभ ने केटीएस के एक बंदे को नॉक कर दिया। कोचिंग की में भी फाइट होते हुए, फिनिश करते हुए बहुत ही प्यारा फिनिश आरटीएक्स रॉकेट के द्वारा। और भी बंदे हैं कोचिंग की में, फाइट होते हुए साइड गाड़ी से डैमेज देते हुए मूव कर चुके हैं आगे। जोन के अंदर मूव करना चाहेंगे सेंटर में, सेफली बच गए एक बंदा। लेकिन इनका फिनिश हो गया अर्ली केटोस डेमन। फिर सेक्सा ने नॉक कर दिया एक बंदे को नेड के द्वारा। टीम 420 कुनाल नॉक है, साइड हो गया खाली, साइड को फिनिश कर दिया। बहुत ही प्यारा फिनिश वैंकी नेगी के द्वारा। 420 कुनाल के भी स्क्वाड खत्म होते हुए, डैमेज पड़ा है, फर्स्ट एड लगाते हुए वैंकी नेगी आराम से अब हील करेंगे। नक्सलाइट का स्क्वाड भी वहाँ पर ही है, डीपी चलाते हुए 4x के साथ की ओपी कॉम्बिनेशन है। स्मोक कर दिया ऊपर पूरा छत पे, स्पॉट करने की कोशिश, चार है बंदों को स्पॉट करने का। एक ही घर में तीनों बंदे लोकेटेड है, जो कि इन्हें पता नहीं है शायद। मूव कर लिया है टीम नंबर 20 के बंदे ने, पीछे मूव करते हुए। थ्री मैन स्क्वाड है ये, देख सकते हो आप। यहाँ पर भी दो स्क्वाड है अपार्टमेंट्स में, टीम नंबर 19 और टीम नंबर 2, इनके बीच में फाइट हो सकती है। दोनों ही होल्ड करेंगे, आपको तो पता ही होगा अपार्टमेंट में पुश करना है बेवकूफ़ी होगी। चारों साइड बंदे कैम करते हैं, लेकिन पुश किया भी जा सकता है एक स्ट्रेटेजी बना के, स्मोक वगैरह करके, ग्रेनेड वगैरह का यूज़ करके। एम लेते हुए जस्ट के लिए बच गए, कवर में आ गए तो नॉक हो सकते थे। दोनों ही बंदों ने गोलियां नहीं चलाई, सीढ़ी पे कैम करते हुए नेड करते हुए। नेड बहुत प्रॉब्लम ला सकता है, क्या नेड कनेक्ट होगा, बहुत ही क्लोज नेड डैमेज दिया है। पता नहीं कैसे बच गए नेड से, पर डैमेज पड़ा उन्हें थोड़ा सा। बहुत ही प्यारा नेट था ए नेगी के द्वारा, देख रहे डीपी भी लेते हुए स्पॉट करना चाहेंगे बंदों को। निंजा ओपी अब हेल्थ लगाएंगे अपनी। टीम आईना का स्क्वाड भी सामने आ चुका है, ये भी डीपी भी लेते हुए। और ये आरोग्य सेतु का नोटिफिकेशन आ रहा है, ये हमें नोटिफाई करना चाहता है कि हमें कोरोना वायरस के टाइम पे अपना ध्यान रखे। और आपको तो पता होगा सारे रूल्स वगैरह एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
नहीं तो अपने लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। टीपी को लेते हुए संदीप ने डैमेज लिया, थोड़ा डैमेज लेने की कोशिश की और बकरी से बंदा आते हुए संदीप नीचे गिर गए लेकिन बच गए। किसी बंदे ने उन्हें स्पॉट नहीं किया। बकरी लेके एक बंदा मूव करते हुए वो बच गया, फिलहाल नॉक हो गया है एनी की स्क्वाड का एक बंदा। मॉली कर रहे थे ये सीढ़ी पे ताकि कोई रश ना कर पाए। एक बंदा बग्गी लेके घूमते ही हुए, अभी भी घूम ही रहा है वो बग्गी लेकर। होल्ड कर रहे हैं, तीन तीन स्क्वाड है अपार्टमेंट्स में। अपार्टमेंट में आजकल बहुत सारी फाइटें हो रही है। मोस्ट ऑफ द मैचेस में अपार्टमेंट में बहुत सारे बंदे उतर रहे हैं। थ्री मैन स्क्वाड है, दस रेक का थ्री मैन स्क्वाड है, तीन ही बंदे हैं, तीन या चार स्क्वाड हो गई है एक जगह पे। चार प्रॉब्लम हो सकती है दोनों चारों टीमें के लिए। मूव करने के लिए प्रॉब्लम होगा, जब कोई भी टीम मूव करना चाहेगी तो सारी टीमें उस पर गोलियां चलाएंगी। सीडीओ भी टीपी भी लेते हुए नेड मारते हुए बंदे चाहेंगे यूटिलिटीज का यूज करें। खाली सीढ़ियों पर बंदे टीपी भी लेते हुए, आरडीएक्स के रॉकेट भी अपार्टमेंट में टीपी भी लेते हुए हमें फाइट देखने को मिल सकता है। रिज नेस्टी ने नॉक कर दिया K2S के स्कल को। अब आरडीएक्स रॉकेट अकेले बचे हैं फिनिश करते हुए K2S स्कल को। और फिजिक्सा ने और एक बंदे को नॉक कर लिया। एटरीज भी टीपी भी लेते हुए कोई भी नहीं पुश कर रहा अभी तक। अब जोन जब अपार्टमेंट से दूर बनेगा तब बंदे मूव करना चालू होंगे और तभी फाइट देखने को मिलेगी बहुत सारी। सारे बंदे अभी तो फिलहाल तो टीपी भी ले रहे हैं, यहाँ पर फाइट होना मुश्किल है। पर जोन बने तो हमें कुछ देखने को मिल सकता है, या फिर नेट से अगर नॉक वगैरह निकाले तो टीमें चाहेंगी पुश करना। वुल्फ के फिल्सप्री ने भी नॉक बहुत सारे बंदे मारते हुए नॉक फिनिश करते हुए सुबोध की टीम को। वाइल्ड गोवन ने फिनिश कर दिया, वाइल्ड गोवन ने नॉक करते हुए और बंदों को। टीपी भी लेते हुए अभी सारे बंदे, इनके बीच में फाइट तो अभी तो मुश्किल होगी देखने के लिए। अभी अकेले बचे हैं वाइल्ड के बंदे जो कि गौरव 42 है। पुश कर दिया इन्होंने तीनों जन के और ये फिनिश करते हुए टीम नंबर 7 के बंदे, बहुत ही प्यारा फिनिश। अब रिवाइव देंगे अपने बंदों को, चाहेंगे पूरा हेल्थ करने को। वुल्फ का स्क्वाड है जो बहुत ही प्यारा फिनिश किया इन्होंने। रेक्ट के बंदे भी अभी भी होल्ड ही कर रहे हैं, चाहेंगे नॉक्स वगैरह निकाल के पुश करें फटाफट से। आ गए आयर की स्क्वाड आते हुए, बहुत घमासान युद्ध हो सकता है यहाँ पर। तीन चार स्क्वाड है यहाँ पर, इसलिए हमें यहाँ पर ही हमारे वो कैमरामैन सिचुएटेड है। सारे डिमेज लेते हुए, अरे स्पॉट किया था बंदों को, नीचे कूद गए बंदे। पुश करने का प्लान है शायद, बहुत सबर कर लिया। सारे टीमें अभी तो फिलहाल तो फाइट नहीं हो रही, बंदे चाहेंगे पुश करना फिर ही फाइट ले। रेक के बंदे आ गए शायद नीचे अपार्टमेंट्स के आते हुए, जैसा कि हमने कहा ग्राउंड फ्लोर पे आ गए है वो। बाकी बंदे टीपी भी लेते हुए, बाकी टीमों का भी यही प्लान होगा कि जिस टीम की फाइट होती है फिर थर्ड पार्टी कर दे, स्पॉट कर दे बंदों को। आईना में अभी धीरे धीरे मूव करते हुए रेक्ट के बंदे ऊपर, दो स्क्वाड एक ही अपार्टमेंट में, सेकंड फ्लोर पे एनेगी का स्क्वाड और फर्स्ट फ्लोर पे रेक्ट का स्क्वाड। लड़ाई हो सकती है,
अब तक आ गए होंगे फुटस्टेप्स, लेकिन बंदों ने एकदम प्रॉपर होल्ड किया है इस जगह पे। पुश करना बहुत मुश्किल हो सकता है, स्मोक वगैरह रहने का। अब देख दो क्लाउन ओपी का, क्लाउन ओपी बहुत सारे बंदों को किल कर दिया क्लाउन ओपी ने, देखते ही देखते स्प्रे गॉड भी किल्स निकालते हुए, अब लूटते हुए बंदों को। इन्होंने एक स्क्वाड अभी फिनिश की है, जेठालाल की स्क्वाड ने दो स्क्वाड्स फिनिश कर दिए है, देखते ही देखते। टीमें अभी भी यहाँ पर अपार्टमेंट्स पे होल्ड ही कर रही है, बहुत देर से टीमें यहाँ पर होल्ड कर रही है। किसी भी टीम ने अभी तक पुश नहीं किया, रेक्ट की स्क्वाड ने स्मोक कर दिया है, अब चाहेंगे पुश करना बाकी टीमें होल्ड करते हुए। टीम आईना की स्क्वाड भी निकलना चाह रही है, सक्सेसफुल निकल जाएंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि स्क्वाड सभी एंगेज्ड है एक दूसरे से। टीम आने के लिए ओपनिंग निकल गया निकलने का, अब वो निकल गए जाएंगे, अब सेफली सेंटर में जाएंगे जोन के। दोनों स्क्वाडें अभी एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम देते हुए, कोई भी टीम अभी मूव नहीं कर सक पाएगी क्योंकि जो भी टीम मूव करना चाहेगी उसको डैमेज पड़ेगा। अब फाइट ही देखने को हमें मिल सकती है, इस फाइट का एंड ऐसे ही होगा। रेक्ट के बंदे भी शायद निकलना चाहेंगे अभी, वो गाड़ी लेके मूव करना चाहेंगे। टीपी भी लेते हो, अभी भी टीम नंबर टू के प्लेयर्स अपार्टमेंट्स में, दूसरे अपार्टमेंट्स में चले गए वो वापस से, रेक्ट की स्क्वाड। ये अपार्टमेंट्स खाली हो चुका है सामने वाला, गाड़ी लेके बंदे आते हुए स्कूल की ओर से, स्प्रे देते हुए, अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं हुई स्प्रे अभी तक, डैमेज देते हुए गाड़ी से। जेठालाल नॉक पे नॉक निकालते हुए, वुल्फ की स्क्वाड के साथ फाइट हो गया है जेठालाल की स्क्वाड का, नॉक निकाला क्लाउन ओपी ने, फेड डिवाइन को फिनिश करते हुए, फेड एके को भी फिनिश कर दिया, गेमर्स को भी फिनिश करते हुए जेठालाल की स्क्वाड ने अभी फिनिश कर दिया और एक स्क्वाड को, तीन स्क्वाड फिनिश कर दी इन्होंने। ये लोग अभी बहुत रैम्पेज पे है, किल्स निकाल दिए इन्होंने, अच्छे खासे किल्स निकाले हैं। अभी तो 44 बंदे हैं अभी, तो और किल्स निकालने का चांस है इन्हें, सेंटर के जोन में भी ये निकाल सकते हैं किल्स बहुत सारे। ES वेजिटो लेकिन फिनिश हो चुके हैं, अभी थ्री मैन स्क्वाड ही बचे हैं। अभी सैंडविच हो सकता है इनका, क्योंकि इनके आजू बाजू में स्क्वाडों ने घेर लिया है, राइट साइड में स्क्वाड है इनके, चाहेंगे एक ही स्क्वाड से फाइट लेना एट अ टाइम, नहीं तो सैंडविच होके इन्हें प्रॉब्लम हो सकता है। स्प्रे देते हुए बंदों पर सामने वाले बंदे, इनके पीछे भी लेकिन एक स्क्वाड है, टीम नंबर 10 का केटियो इसका स्क्वाड, सबके बीच में फाइट हो सकता है, चाहेंगे कवर ढूंढ ले अच्छे से, अच्छा सा कवर होल्ड किया है केटर्स के बंदों ने घरों में। अब चाहेंगे एक एट अ टाइम एक स्क्वाड से फाइट लेने तो प्रॉब्लम हो सकती है, पुश कर दिया है बंदों ने राइट से फ्लैंक करते हुए, गार्ड बच गए, जस्ट के लिए बचे, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत कम है, अब वो नहीं सोचेंगे गाड़ी फिर से लाने का यहाँ पर। बहुत ही प्यारा नॉक स्प्रे गॉड के द्वारा, तीन ही बंदे बचे सामने, नेड करते हुए जेठालाल, नेड कनेक्ट हो सकता है, अरे नॉक हो गए हैं, तो शायद स्कोप वाला ग्लिच हो गया, खाली स्कोप इन किया था, गोलियां चला ही नहीं बंदों पे। चाहेंगे रिवाइव देना, रिवाइव मिल जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सामने। अरे और एक स्क्वाड आते हुए, बोलते ही बोलते और एक स्क्वाड आ गई, बीच में से गाड़ी लेकर निकलते हुए, ये भी रुक गए हैं उतरते हुए, CF4 के बंदे
आयर कलेक्टर ने ए नेगी को नॉक कर दिया है। हेल्थ लगाते हुए फर्स्ट एड लगा लिए जेठालाल ने। आर आर क्यू करण ने आयर व्रैथ को नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया आर आर क्यू करण। बहुत प्यारा आर आर क्यू करण ने पुश कर दिया है और पीछे से आते हुए फिनिश करते हुए आर आर क्यू करण के द्वारा बहुत ही प्यारा फ़ायदा उठाया है। बहुत ही प्यारा फ़ायदा उठाते हुए आर आर क्यू करण। बहुत प्यारा गेम प्ले देखा हमने इनके द्वारा। और रेड डॉट से नॉक कर दिया है, बहुत ही प्यारा स्किल कर दिया नॉक कर दिया जेठालाल ने। और एक बंदे को नॉक करते हुए ओपन में से आते हुए अब पुश कर दिया जेठालाल ने और ओम से नॉक कर दिया आर के डेक्स्टर ने एक प्लेयर को। पुश करते हुए जेठालाल और इनके सामने बंदे थे, फॉल बैक कर दिया उन्होंने भी। बहुत ही एग्रेसिव गेम प्ले जेठालाल की स्क्वाड के द्वारा और ये एग्रेशन बहुत ही सही तरह से इस्तेमाल करके बहुत काम आया। फिनिश करते हुए MK14 चला रहे हैं, आपको पता होगा MK14 क्लोज रेंज में कैसे चलती है। अब मेडिकेट लगाते हुए इन्होंने 3-4 स्क्वाड वाइपे कर दिए अभी तक, लेकिन अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है। 34 बंदे अभी भी अलाइव है, तो ये और भी किल्स निकाल सकते हैं। डोमिनेट करते हुए कस्टम को पूरी तरह से, इन्होंने उस सिचुएशन से जो एकदम बाहर निकले वो इन्हें घेर लिया था स्क्वाडों ने। बहुत ही सही तरह से ये उस सिचुएशन से बाहर निकले। अब या इनके आजू बाजू में अब कोई स्क्वाड नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्क्वाड्स एक ही साइड सैचुरेटेड है। इन्हें थोड़ा चैन की सांस लेनी चाहिए। टीम आईना का स्क्वाड भी होल्ड करते हुए TPP लेते हुए ए नेगी की स्क्वाड का एक बंदा नॉक है, वो भी अच्छे खासे रिच में कवर लिया है उन्होंने भी। इनकी हेल्थ लेकिन बहुत कम है, चाहेंगे फर्स्ट एड मारना, सब चाहेंगे अपनी हेल्थ बढ़ाकर ही फाइट ले। राइट साइड में भी स्क्वाड है टीम आयना के, आयर का स्क्वाड भी यासना के साइड फाइट होते हुए फिर सेक्शन ने नॉक कर दिया रेक्ट साइक्लॉप्स को। एम करते हुए आयना के, लेकिन अभी तक इन्होंने शॉट्स फायर नहीं किए है। 4 स्पॉट करना बंदों को। हेल्थ लगाते हुए एक बंदा संदीप +60 बैंडेजेस लगाते हुए 4 स्पॉट करना बंदों को। वुल्फ के बंदों का फाइट हो गया रक्त के बंदों के साथ, 4x यूज़ करते हुए लेज़र के साथ नॉक कर दिया था इन्होंने एक बंदे को। चाहेंगे उसका किल सिक्योर करना है, लेकिन रिवाइव मिल जाएगा उन्हें शायद पेड़ के पीछे। अकेले इनके 2 ही बंदे बचे हैं, एक बंदा गाड़ी लेके मूव कर चुका है, रिवाइव मिल चुका है लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। नॉक कर दिया है, बहुत ही प्यारा नॉक, उन्हें रिवाइव शायद मिल जाएगा। और वापस से फाइट होते हुए स्प्रे गॉड नॉक्स पे नॉक्स निकाले जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा गेम प्ले स्प्रे गॉड के द्वारा, मिस्टर डूम को फिनिश कर दिया। और एक स्क्वाड फिनिश करते हुए जेठालाल की स्क्वाड रुकने का नाम नहीं ले रही गाइस, इन्हें अभी तक कोई स्टॉप नहीं कर पा रहा। देखना चाहेंगे कोई इन्हें टक्कर दे कोई स्क्वाड। नक्सलाइट के दादा को फिनिश करते हुए आयर के प्लेयर्स, आयर के वेलैक नॉक होते हुए नक्सलाइट की पूरी स्क्वाड फिनिश कर दिया आयर के प्लेयर्स ने। बहुत ही प्यारा गेम प्ले आयर के द्वारा, सारे बंदे को फिनिश कर दिया, नॉक किया था फिनिश करते हुए नक्सलाइट के प्लेयर्स को। इनकी का स्क्वाड भी कवर में होल्ड कर रहा है आराम से। टीम आयना के प्लेयर्स भी कवर बनाकर होल्ड कर रहे हैं एक छोटे से घर में। टीम नंबर 20 भी आते हुए दूसरी साइड से, स्वैंकी नेगी का स्क्वाड है जो वो भी चाह रहा है मूव करने का। जोन भी आते हुए टाइम देखते ही देखते जोन आते हुए स्पॉट करने की कोशिश, डैमेज देते हुए आए ना हमें यहाँ सिद्धेश मित्तल भी डैमेज देते हुए 6x चलाते हुए बंदों को। बहुत सबकी हेल्थ कम कर दी है लेकिन ऑफ नहीं हुए अभी तक। चलाते हुए
दूसरे साइड से बिल्कुल चला गया। नॉक्स निकाल दी, नॉक्स निकाले, बंदे नॉक होते हुए आए थे। ने राइट साइड पे बढ़ते हुए जो कि जेठालाल का स्क्वाड है, फिर सेक्सा ने फिर से नॉक कर दिया एक बंदे को। हेल्थ मारेंगे अब, संदीप 2620 नो हेल्थ, बहुत कम है, कम होती हुई डैमेज। क्लाउन के द्वारा को बहुत ही प्यारा हेडशॉट, क्लाउन ओपी के द्वारा रुकने का नाम ले नहीं ले रही। टीम नंबर 17 के बंदे भी जोन में आते हुए लगभग सारे टीम नंबर 7 को भी देते हुए डैमेज। राइट साइड में भी स्क्वाड है, स्क्वाड है डैमेज देते हैं बंदे को, नॉक कर दिया एक बंदे को। चाहेंगे आप फिनिश करना फटाफट आया को, फिनिश करते हुए सक्सेसफुल फिनिश कर लिया। फर्स्ट एड लगाते हुए अब इनकी हेल्थ बहुत कम है, हर के प्लेयर अभी तक स्मोक में ही है, होल्ड कर रहे आराम से। पुश कर दिया टीम आईना के प्लेयर सेंटर में आते हुए, नॉक हो गया एक्स, बहुत ही गलत डिसीजन था ये मूव करने का। और ये स्प्रे गॉड नॉक होते हुए आईआर के प्लेयर्स भी फायदा उठाते हुए मुश्किल में आ सकती है जेठालाल की स्क्वाड। नेड करते हुए टीम आईना पे, नेड ये बहुत प्रॉब्लम ला सकता है टीम आईना के लड़के, जेठालाल ने नॉक कर दिया जितेज गुप्तर को, रिवाइव मिल गया था एट्रियस को, रिवाइव देंगे जितेज गुप्तर को। फिर से जेठालाल ने अभी तक स्प्रे गॉड कर दिया, चाहेंगे नॉक निकालना पहले, एक बंदा नॉक ये फिनिश कर दिया आईआर की स्क्वाड को, दोनों साइड से बड़ा ए नेकी ने फायदा उठा के आईआर की स्क्वाड को फिनिश कर दिया। अब जेठालाल को मौका मिल गया रिवाइव देने का, रिवाइव देते हुए जेठालाल स्प्रे गॉड को, स्वैंकी नेकी भी फिनिश होते हुए, स्वैंकी नेकी का स्क्वाड फिनिश होते हुए जोन के द्वारा। लास्ट के तीन स्क्वाड बाकी है, टीम हाइना ए नेकी का स्क्वाड और जेठालाल का स्क्वाड, जेठालाल के स्क्वाड के दो ही बंदे बचे हैं, टीम हाइना के चारों बंदे जिंदा है अभी भी, ए नेकी के प्लेयर्स की दो ही बंदे जिंदा है, उनकी हेल्थ कम है, उनके पास शायद फर्स्ट एड नहीं है, फर्स्ट एड वगैरह यूटिलिटी सब खत्म हो गई। मोक करते हुए अब जोन के अंदर आना चाहिए टीम नंबर 17, रिकॉर्ड में नॉक कर लिया एक बंदे को नेट के द्वारा। फर्स्ट एड लगाते हुए जेठालाल अब हेल्प करेंगे आराम से, फ्री फाइटिंग, अब चाहेंगे पहले जोन के अंदर जाना, मुश्किल हो सकता है जोन के अंदर जाना इनके लिए। नेड करते हुए, नेड ने बहुत डैमेज दिया उन्हें सामने वाली टीम को, चाहेंगे पहले आराम से जोन में जाए, कोई गाय ना करे, मुश्किल दे सकते हैं इनके लिए सामने वाली टीम है। बाकी टीमों की भी हेल्थ कम है, खाली इनकी हेल्थ इन्होंने पूरी तरह से हिलअप कर लिया, शायद यूटिलिटीज़ ख़त्म होते हो जैसा कि हमने कहा था, फर्स्ट एड वगैरह ख़त्म हो गए होंगे, अभी बैंडेज से काम चलाना पड़ेगा, वो भी नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक की साइड सैचुरेटेड है, दूसरे बंदे फिनिश होते हुए, सारे बंदे फिनिश हो गए ना, नॉक हो गए है, बहुत ही प्यारा नॉक जेठालाल ने नॉक किया है ना मेरे को, किल फीड में थोड़ा लेट आया, एनर्जी ड्रिंक लगाते हुए। अभी राइट साइड में खाली दो ही बंदे बचे हैं, 2v2 का फाइट है आराम से, टोन डाउन है, डैमेज देते हुए जेठालाल को, ये ओपन में मूव कर रहे हैं, नॉक कर लिया सिद्धेश बुक्कर को, एड्रेस अकेले बचे हैं, जो कि जो फिनिश होते हुए। बहुत ही प्यारा गेम प्ले जेठालाल की स्क्वाड के द्वारा, 24 किल्स अब तक का सबसे ज़्यादा मोस्ट किल रिकॉर्ड है इनका, जो कि इन्होंने अभी बनाया है, 24 किल्स चिकन डिनर, बहुत ही प्यारा गेम प्ले। पिछले मैच का भी था जो कि 19 किल्स था, लेकिन वो चिकन डिनर नहीं था, लेकिन इन्होंने 24 किल्स विद चिकन डिनर निकालते हुए और एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। और MVP की बात करें तो MVP है स्प्रे गॉड, जिनके सबसे ज़्यादा किल्स है। और अब हम आते हैं मोस्ट स्क्वाड किल की, जैसा कि हमने कहा था कि जेठालाल की स्क्वाड का 24 किल्स है, 24 किल्स बहुत ज़्यादा है। अब किल्स पर आए तो स्प्रे गॉड ने किया है 10 किल्स, जेठालाल के है 8 किल्स और क्लाउन ओपी के 6 किल्स,
सारे बंदों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। आपके लिए हम ऐसी शानदार कस्टम रूम वीडियोस लाते रहेंगे। आप देख सकते होगे कि पहले से ज़्यादा कितना इम्प्रूव हो चुका है हमारे कस्टम रूम का लेवल, कैसे दिन ब दिन हमारे प्लेयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ते आ रहा है, इन्हें बहुत सारे कॉम्पिटिशन बढ़ते हुए, और इसी तरह से ये कॉम्पिटिशन बढ़ता रहेगा। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी ही हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप खेलना चाहते हो, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो कस्टम रूम, ये सब फ्री है आपके लिए। आप डेली नहीं तो देख के भी सीख सकते हो, फिर आपको खेलने का मन करे तो खेल सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे।